जतौर पंचायत से लेकर बिसवार गुठनी बाजार जितने भी हैं अब बच कर रहे हैं, अब कोई नहीं बचेगा। हाँ मिला माल, अब गांव का हम आज पहली बार हमने जाना ठीक बा, हमरा के गाड़ी अच्छी के चलेगा हमरा। अब ऊपर दिखाइए थोड़ा, ऊपर आप देख सकते हैं इसमें जो है खाना बनाया गया है, इसी में ये लोग शराब रखे थे, पूरा भरे हुए थे सफेद वाला, अरे जो फ्रूटी बोला जाता है वो वाला हर चीज। हाँ, जो मेन रोड बा रामपुर वाला थे। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुठनी थाने पर हैं, जहां पर पुलिस की बड़ी कामयाबी देखने को मिल रही है, जहां पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर गई थी यही यूपी बॉर्डर पार करते हुए जो शराब माफिया है यूपी से लेकर आ रहे थे, जो चिलमरवा गांव में पकड़े गए। पुलिस अपने सिविल ड्रेस में जाकर सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में इन शराब माफियाओं को पकड़ी है। अब आपको दिखाते हैं कि ये शराब जो रखने का तरीका है, एक टेम्पू है जो इसका नंबर है BR01AP3703। अब इसमें रखने का जो तरीका है उन लोगों का गजब का है। अब ऊपर दिखाइए थोड़ा, ऊपर आप देख सकते हैं इसमें जो है खाना बनाया गया है, इसी में ये लोग शराब रखे थे, पूरा भरे हुए थे सफेद वाला, अरे जो फ्रूटी बोला जाता है वो वाला हर चीज। और जो इसमें ऊपर जो आप अभी खाली स्थान देखे उसमें रखने के बाद ये जो पत्थर है इसी को ऊपर से रख देते हैं, ऊपर से रखने के बाद उस पर वो लगाकर टाइट कर देते हैं, ये वाला ऊपर से टाइट कर दिया गया था। इसके अंदर शराब था और ये ऊपर से खाली था, लग रहा था कुछ भी नहीं है, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस गई, इन लोगों को पकड़ी है। अब देखिए ये कितना मोटा है, इसी के अंदर इतना मोटा है, इसी के अंदर ये लोग शराब पैक कर देते हैं, ऐसे सप्लाई करते हैं। अब चलिए ये देखिए शराब जो पकड़ा गया है यहाँ पर है, ये फ्रूटी है, फ्रूटी बोलते हैं इसे, ये आप देख सकते हैं फ्रूटी है। 8 PM दिखाना, अब देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अभी शायद 5,000 के आसपास पड़ता है, 55,000 का ये है। अरे है ये वाला क्या है, ये भी वही फ्रूटी ही है, ऑफिसर चॉइस। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 25, 80,000 के आसपास माल है। फिर सफेद वाला है जो अंदर रखा हुआ है और जो पकड़े गए हैं, अभी बाहर निकलवाते हैं। सर बाहर निकलवाइएगा इन लोगों को, अभी इन लोगों को अंदर बंद है, अभी बाहर निकलवाते हैं, पूछते हैं कहाँ के हैं, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे। अब टेम्पू भी आपको पूरा दिखा चुके हैं, यह गुठनी थाने में ये भी सुनने में आ रही है कि पुलिस जो है लापरवाही बरत रही है, लेकिन हाँ आज मुझे सुबह फोन आया था, खबर मिली कि चिलमरवा गाँव में पुलिस को कामयाबी मिली है, गुप्त सूचना के आधार पर गई है, वहाँ पर पकड़ी है शराब माफियाओं को, इसलिए मैं यहाँ आया और वीडियो बना रहा हूँ इसका। आप देख सकते हैं गुठनी थाना है सिवान जिले का, यहीं पर आया हूँ। पुलिस की जो मेहनत है रंग लाई है यहाँ पर, अब शराब माफिया पकड़े गए हैं और अक्सर आए दिन डेली यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। अब ऐसे ही अभी हम लोग जो शराब माफिया है उनसे भी हम लोग बात करेंगे, बाहर निकाले जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ के हैं। वैसे तो पता लग रहा है सिसवन थाना जो है उस एरिया के हैं, इधर से लोग शराब ले जा रहे थे उधर बेचेंगे। अब आइए बाहर निकलते हैं तो उनसे बात करते हैं। यही दो लोग हैं जो शराब के साथ पकड़े गए हैं, अब पूछते हैं इन लोगों से कहाँ से ला रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ घर है इन लोगों का, क्या नाम है, आप कौन है, क्या नाम है आप? मेरा नाम सर शिव मंगल शाह है। शिव मंगल शाह जी, कहाँ घर है आपका? रामपुर। रामपुर जी। आपका? मंटू शाह। हाँ मंटू शाह। कहाँ घर है? साईपुर। और नाम तेज बोलिए। साईपुर। आप ड्राइवर हैं? ना वो आप ड्राइवर हैं? हम गाड़ी चला रहे हैं सर, हमारा बाबा का टेम्पो है। ना हमारा टेम्पो नहीं है, भाड़ा पर टेम्पो लेकर आए थे। आप बेचने वाले हैं? नहीं सर, हम बेचते नहीं है। हाँ, किसका माल है? माल मेरा भी नहीं है। हाँ, उनका नाम है मेरा, हमको पता नहीं है। हम आज आए। और तेज बोलिए। हम आज आए हैं। घर कहाँ है साहब बोलिएगा? साईपुर। साईपुर किस थाने पड़ता? सिसवन। सिसवन थाना में, वहाँ माल लेकर जा रहे थे, कहाँ से ला रहे थे? उधर से, उधर गांव पता नहीं, इधर चिलमरवा होते हुए जहाँ पकड़े गए उधर से ही उधर गए थे। कौन भट्टी था यार? सर हमारा पता नहीं है। अच्छा, जिस गांव में तुम पकड़े गए थे, जिस गांव में पकड़े गए उनके द्वारा हमने के आदमी से संपर्क हुआ। कहाँ दिए, कहाँ मिला माल? अब गांव का हम आज पहली बार हमने जाना ठीक बा, हमारा के
गाड़ी अच्छी कौन के चले के बा हमारे बाबा के कजियर हुए इस समानवा कोनो गांव में मिलल है या कहीं भट्टी पर मिलल है रोड पर तो जैसे वो आदमी लेके गौ हन ओकरा बाद हम खाना वाना खाके सुत गए कहां सुत गए उन्हीं गांव में पहले तो क्या आइल रहल हो यार कल के कल के कल शाम के रात में ये सब पैकिंग भइल ल दाइल हो दाइल ना जी त तू लोग के तू गई रहला ई गई रहला सही बताइए हां ई गई रहूं ई गई रहूं अब तू बताओ कहां गई रहो कहां लद हुए मां मेन रोड कौन है हां वो जो मेन रोड बा रामपुरा ला हां वो है अच्छा बिना जन ले तू किया हुआ पहुंच गए वो एरिया के नाम जानत हो बना ही वहां जाए के बा मैं जानता नहीं भट्टी देख लेनी तो जगह के नाम नहीं का जाना एक डंगा का शायद वो है शायद वो है ई मान लेके कहां जीता लो ई होने जाय छी सोन चैन ई कब से करे लो ई सर हम पहली बार आते हैं तू का हुआ बेचे वाला के ना हम कुछ ना है हां का करे ला बीच में कितना में सेटिंग बैठ ला तार हम 1000 में लगा 1000 एक बार पहुंचैला पर 1000 ले ला हम पहली बार आए 1000 पे को ले देम हां अच्छा कुछ पता नहीं सही बतावा कौन सा बार आए वाला पहली बार तो तू ही लो जाई वालो मालिक का नाम बतावा केकरा मालिक के में हमने पता नहीं के ना ना ये तुम ही मालिक हो ना झूठ बोल रहे हो बाबूजी का नाम जोगिंदर शर्मा जोगिंदर शर्मा जी कहा नाम मंटू शर्मा मंटू शर्मा गांव सिसवन सिसवन थाना में कौन गांव साईपुर साईपुर वहाँ धंधा करत रहा बढ़िया पुराना लगा रहा माफिया कुल में ना इतना मलका करता ये हमला पता नहीं कि पता रहे तो सही सही बता देते अब चलिए आप देख सकते हैं आप इनको जानते हैं ना ना सर हमारा के मतलब फोन द्वारा अंकर से ठीक बतावा सही बतावा सही बता देते हमारा कालमुड़ी छे लोग हमारे बाबा के दस्तखत रहुए वहां पातर के लगे पैसा कर देवे के ना रहुए ठीक बा ओकरा बाद मतलब उनका 3000 रुपया देवे के बाकी लगे पैसा तो हमारा कहो लोग की जा तू जाइबा हो भाई सही बताते नहीं तो गिलाजी वालों और ही दूसर के ऊपर का नाम बता देता लो तो सारा लोग पर कम लगी सही बताओ तने सब हमरा से जोन बात बताओने हम बताए अगर झूठ मिल करा नाम धर दे तो केकर माल है हिंका की और के हमरा पता नहीं ये हमरा हमरा लगे आइल बना लेके आइल बना गइल बना ठीक बा सही तरह से बताओ तो ये उनकी माल हिंकर है ना हिंकर ना कहता ना ऐसा कोई बात नहीं है ना हमरा कौन लोग 1000 रुपया तेरे का दे हां चल रख ले अब देखिए यहाँ पर ये लोग हैं जो बेचने वाला मालिक है उसका नाम नहीं बता रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि वो मालूम नहीं है कौन मुझे पैसा दिया फोन पर बात होता था अब यहीं बगल में यूपी में शराब भट्टी है जो वहीं से ये लोग लाते हैं ऐसे ही बेचते हैं अब यहाँ पर भी गुठली प्रखंड में यहाँ पर भी पता चल रहा है बहुत ऐसे लोग हैं जो शराब बेच रहे हैं ला रहे हैं उसका भी जो हमारे दरोगा जी हैं उसका भी खुलासा करेंगे पकड़ेंगे ऐसा सुनने में आ रहा है बोल रहे हैं गुठनी थाने क्षेत्र के जितने भी शराब माफिया हैं बेचने वाले सावधान हो जाए जितने भी सुनने में आ रहा है जतौर पंचायत से लेकर बिस्वार गुठनी बाजार जितने भी हैं अब बच कर रहे हैं अब कोई नहीं बचेगा इसी के साथ मैं मनिंदर कुमार सिंह कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ दबंग 24 से धन्यवाद।